लगातार भारी बारिश और जलज माव से तमिलनाडु के कपास किसानों को काफी नुकसान हुआ है। अब वे अपनी लागत भी नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे में किसान सरकार की तरफ आर्थिक मुआवजे की आस में देख रहे हैं। हाल के दिनों में तमिलनाडु में जोरदार बारिश हुई है, इससे लगभग सभी फसलों को नुकसान हुआ है, लेकिन 10,000 हेक्टेयर में लगी कपास की फसल पूरी तरह तबाह हो गई है। राज्य के तिरुची जिले के किसानों को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा है। तिरुची को तमिलनाडु में कपास की खेती का केंद्र माना जाता है। कपास के खेतों का निरीक्षण करने पहुंचे कृषि और किसान कल्याण विभाग की टीम भी तिरुची पहुंची थी। टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बारिश के कारण खेत में ही कम से कम 60% फसल बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। जिले में 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की खेती होती है। विभाग के आकलन के मुताबिक करीब करीब 5,500 हेक्टेयर में लगी कपास की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। ये तब हुआ है जब तमिलनाडु में कपास की कीमत अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। कीमतों में तेजी को देखते हुए किसान अच्छे मौसम के इंतजार में थे, लेकिन बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया। सीजन की शुरुआत में राज्य में कपास की कीमत 76 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी। तिरुची के एक किसान ने कहा कि हम इस बार बढ़ी हुई कीमतों को देखकर लाभ की उम्मीद कर रहे थे। किसानों का कहना है कि बारिश उस वक्त हुई है जब किसान कपास की कटाई करने की तैयारी कर रहे थे, यानी फसल पूरी तरह से तैयार हो गई थी, इस कारण उन्हें ज्यादा दुख हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।